32 खतियान को लेकर अभी काफी आंदोलन चल रहा है, लोग 150 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट करा है और बहुत अच्छे तरीके से वो काम चल रहे हैं, सभी को मिला जुला के चल रहे हैं। ये किसी ऐसे राजनीतिक दल की ओछी राजनीति है जिसे कोई मुद्दा नहीं मिला तो लास्ट में ये 32 की खतियान लेकर चले आए। मात्र आज उस दल की मात्र दो विधायक हैं, वो अपने राजनीतिक को चमकाने के लिए ये सब मुद्दा उठा रहे हैं। आप देख लीजिए कि हमारा झारखंड अलग हुआ तो किस दल, किस प्रदेश से अलग हुआ, वह प्रदेश है हमारा बिहार। बिहार मतलब हमारा गार्जियन कहलाता है, बिहार हमारे गार्जियन है। अंगिका भोजपुरी बहुत प्यारा भाषा है, बहुत मिठास है उसमें। आज इस पे लोग राजनीति कर रहे हैं, ये हमें उचित नहीं लग रहा, ये बहुत छोटी बात है और छोटी राजनीति। हाँ, रही बात स्थानीयता की, महत्व देनी चाहिए, मैं स्थानीयता की महत्व के समर्थन में हूँ। मैं यहाँ के रोजगार, जो यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, जो हमारा जॉब मिलना चाहिए, वो स्थानीयता को प्राथमिकता मिलना चाहिए, उस पर मैं तैयार तो, लेकिन इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। कल 6 मार्च का बिहारी और झारखंडी दोनों सड़क पर, बिहारी हम उसे नहीं बोलते हैं, हम बिहारी नहीं मानते हैं। जो हमारे झारखंड में रहते हैं वो झारखंडी है, बस अंतर इतना है कि भाषा दोनों का अलग था। ये बोला जा सकता है कि ये अंगिका भोजपुरी बोलने वाले भाषाई थे और वो झारखंडी भाषा बोलने वाले भाषाई थे, बिहारी और झारखंडी नहीं थे। 32 खतियान लागू कर दे या तो अंतिम सर्वे रिपोर्ट, एक अंतिम सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए, एकदम लागू करना चाहिए, इससे और इसकी महत्व बढ़ती है, इसमें हमारा एकता बढ़ता है, हमारा प्रेम बढ़ता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये ओछी राजनीति, मैं बोल रहा हूँ ये ओछी राजनीति, चूंकि उनकी राजनीतिक पटल खत्म हो चुकी है। जो 12 सीट 10 सीट लाने वाले और हमेशा से झारखंड में उप मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले लोग आज विधवा विलाप कर रहे हैं। आप बताइए कि जब इतने साल वो उप मुख्यमंत्री रहे उस समय उन्हें याद नहीं आया था, आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं उसकी राजनीतिक करीब करीब झारखंड से समाप्त की ओर है, तब वो बोल रहे हैं कि भाषा का आंदोलन करो, 1932 खतियान के आंदोलन करो। तो ये सब ओछी राजनीति है, ये उन लोगों की भाषा है, उन्हें आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी मामला पे वो स्वतंत्र है, लेकिन हमारा झारखंड सरकार बहुत अच्छा और सुचारू रूप से चल रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।